आदाब, नमस्कार। अफसाने के सौरंग की इस महफिल में मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। कहानी सुनाना मेरा पेशा नहीं, पैशन है, और कहानी सुनाने से ज़्यादा मैं एक दस्तावेज़ बनाने की कोशिश में हूँ। आज मैं आपको अफसाना निगार जनाब हरचरण चावला का एक अफसाना सुनाऊंगा। हरचरण चावला जी उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में गिने जाते हैं। आज उन्हें बहुत से लोग शायद भूल गए हों, लेकिन हरचरण चावला जी की जो मकबूल तख्लीकात हैं उनमें से कुछ हैं अक्स के आईने, रेत, समुंदर और झाग, दरिंदे, चिराग के ज़ख्म, भटके हुए लोग, नन्नी जलपरी जो बच्चों के लिए कहानी है। उन्हें उत्तर प्रदेश एकेडमी लखनऊ का अवार्ड और ऑल इंडिया मीर एकेडमी का अवार्ड मिला है, और मैं आपको आज उनका एक अफसाना सुना रहा हूँ। मुख्तसर सा अफसाना है, छोटा अफसाना है, बहुत बड़ा नहीं है, अलामती अफसाना है, सिंबॉलिक शॉर्ट स्टोरी है, और उन्वान है घोड़े का कर्ब। घोड़े का कर्ब यानी घोड़े का दर्द। तो आइए सुनते हैं घोड़े का कर्ब। तू तो घोड़ा है, तेरा काम तो दौड़ना और बोझा ढोना है, मेरे दिल ने सोचा। दूर सामने उन पहाड़ियों पर हरी भरी घास आंखों को कितनी सुहानी लगती है उसकी, मगर हरियावल आंखों की राह पेट है, भूख जगा देती है। पेट तो यहाँ की सूखी सड़ी घास से भी भर जाता, मगर कुछ और किस्म की भूख अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। वहाँ अगर मैं पकड़ा गया तो यही होगा ना कि जो मेरा नया मालिक होगा मुझ पर बोझा ढोएगा, या कोई छकड़ा, यक्का या गाड़ी खिंचवाएगा। यहाँ कौन सा आराम मिलता है, रोज तखू टखू टांगा खींचना पड़ता है। उसको तो ज़रा भी रहम नहीं आता, बम्बर तक सवारियाँ लाद देता है और गालियाँ भी बेशुमार। सवारी ना मिले तो गुस्सा मुझ गरीब पर, बीवी से झगड़ा तो छांटा मेरी पीठ पर। साथी तांगे वालों से तू तू मैं हो तो सजावार मैं। ये भी कोई ढंग है जीने का भला? ये नहीं कि मेरी सुनो अपनी कहो, बस हर वक्त गाली गलौज। हाँ, वहाँ कोई कहाँ तक बर्दाश्त करे, फिर वक्त भी यहाँ कोई नहीं बंधा हुआ काम का। अभी आँख भी पूरी नहीं खुलती क्या लगाम मुंह में और बम्बर दोनों कमर पर। शहर स्टेशन, स्टेशन शहर, रात गए एक एक चक्कर सा बंधा रहता है पाँव में। फिर इतवार छुट्टी ना त्यौहार छुट्टी। नई जगह शायद अच्छी हो या ना हो, मगर इससे बुरी क्या होगी। चल मुन्ना उसे भी देख, कितनी दूर निकल आया हूँ, आधा रास्ता तो आ चुका होगा। वो जो आँखों को बरमाती थी वो हरियावल जाने कितनी दूर है।
वो जो नज़रों के करीब था कदमों से कितना दूर होता जा रहा है, क्या वापस लौट चलूं या आगे बढ़ूं। यहां तक मालिक ढूंढने पहुंचे गई, फिर तो वो पिटाई होगी कि बस खुदा ही याद आ जाएगा, कई छांटे मेरी कब्र पर तोड़ देगा जालिम। जितना पीछे जाना है उतना आगे क्यों ना बढ़ूं, शाम तक जरूर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। बस जरा रास्ते के घोड़ा चोरों से खुद को बचाना है। उफ खुदाया, कितना दूर है वो देश, वही जो मेरे सामने नजर आता था, जिसकी तरफ मैं सरपट 5 दिन से दौड़ रहा हूं, और वो सरपट मेरे आगे आगे दौड़ता मुझसे दूर होता जा रहा है। खैर चल मुन्ना, अब तो ना पीछे जाने का यारा है ना रुकने का चारा है। ले भाई, कुछ तो नज़दीक पहुँचे। वाह क्या खूबसूरत नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। बस कोई मुनासिब और शरीफ सा मालिक मिल जाए तो बाकी ज़िंदगी यहाँ गुजार दूँ। क्या ज़रूरत है खामखा भागता चलूँ आगे और आगे। इससे आगे, इससे खूबसूरत भला और क्या होगा। इससे पहले कि कोई शेर चीर फाड़ डाले, चल मुन्ना, खुद ही खुद को किसी के हवाले कर दे। मेरा नया मालिक तो ठीक आदमी है, बस जरा साथी घोड़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मैं ही निराता हूँ, वही ही करते हैं। अपने यहाँ तो कुत्ते भोंकते थे, यहाँ तो बस ज़रा सा मुँह का जायका बदलने के लिए बड़बड़ाते हैं। शरीफ इतने हैं कि बिल्लियाँ और मुर्गियाँ सब उनके ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करते। मुर्गे अपने यहाँ कुकड़ू कुकी आवाज़ से बांग देते थे तो सारा मोहल्ला जाग उठता था। यहाँ कुकली की बोली बोलते हैं जैसे कोई हल्का फुल्का राग गा रहे हो। खैर जो भी है ठीक है, मेरा दिल यहाँ खूब लग गया है। अलग भी है, अच्छा भी है, बस कभी कभी एक गाड़ी मुझसे खिंचवाता है। सामान उसमें कितना ही ना हो, पेटे इतने हल्के फुल्के हैं कि गाड़ी किश्ती की तरह पानी पर तैरती सी महसूस होती है। शहर जाता हूँ तो लोग हैरानी और ख़ुशी से मेरी तरफ़ देखते हैं। ज़रा सी दुल्की पकड़ता हूँ तो बड़े खुशी से नारे मारते हैं, बच्चे तालियाँ बजाते हैं, और मेरा मालिक बड़ी शान से इधर उधर देखता है जैसे वो किसी बहुत बड़ी कार का अकेला मालिक हो जो अब बाज़ार में नायाब हो। ये बोझ भी ज़रा खुले मौसम में ढोना पड़ता है, सर्दियों में तो बस अंदर खड़े रहना पड़ता है और साथी घोड़ों से गपशप करती होती है। बाहर बर्फ़ में खेल हो सकता है और ना ही गाड़ी चलाई जा सकती है, इसलिए लंबी छुट्टी मिल जाती है। बस खाओ पियो और मौज उड़ाओ, बस साथी घोड़ों की ज़बान समझनी ज़रा मुश्किल लगती है। मगर मैं भी एक घाक हूँ, उनकी हर बात पर यूं मुस्कुराता हूँ जैसे मुझे सब कुछ समझ आता हो। ज़माने के साथ चलने के लिए थोड़ी सी अदाकारी तो करनी ही पड़ती है। एक और बोझ ढोने में मुझे आनंद मिलता है, उसे बोझ कहते हुए मैं खुद को गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। वो बोझ कितना लतीफ़ होता है कि फूलों से भी ज़्यादा हल्का फुल्का लगता है। मेरे मालिक के बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, खुले मौसम में कभी कभी सवारी कर लेते हैं, मगर ज़रा से बोझ के बदले प्यार इतना देते हैं कि बस ज़िंदगी भर घोड़ा ही बने रहने की तमन्ना दिल में जागती है। खुदाया
मुझसे मेरा सुकून मत छीनना। तू तो जानता है पीछे भी मेरे बाबा का कोई खेत नहीं रह रहा, मेरे पुराने मालिक यहाँ भी पहुँच गए, उन्होंने मुझ पर अपनी मिल्कियत जताने की कोशिश की है, मगर मेरे मालिक ने मुझ पर पानी तक नहीं पड़ने दिया। कहा है कि सबूत है तुम्हारे पास कि यह घोड़ा तुम्हारा है, कोई रसीद है? वो भला क्या रसीद दिखाएंगे, उनकी रसीद तो मैं उठा लाया हूँ, एक नहीं कई, मेरी पीठ पर उनकी मार के निशान, कई तो मुंदमिल हो गए मगर कुछ अभी हैं। मगर डरता हूँ कहीं मेरी फरियाद खुद ही मेरी मुसीबत का कारण ना बन जाए। छोड़ यार, तुझे क्या पड़ी है, मस्त रहे। मेरे पुराने मालिकों ने भी मेरे नए मालिक के यहाँ माल ढोने का काम शुरू कर दिया है। मैं खुश हूँ कि वो भी अब मेरी तरह घोड़े ही बन गए हैं, बोझा ढोते हैं और मालिक के लहराते हुए आँख के चांटे से डरते ढेंचू ढेंचू भागते रहते हैं। मेरा क्या है, मैं तो घोड़ा हूँ, मगर उन्हें बोझ ढोते हुए बहुत तकलीफ होती है। अरे भाई तकलीफ होती है तो छोड़ दो और वापस जाओ, मेरे जैसे घोड़ों की रोजी क्यों खोटी करते हो। मेरे कुछ घोड़े भाई और भी यहाँ पहुँच गए, वो भी मेरी तरह भगोड़े ही लगते हैं, मगर कहते सब यही है कि वहाँ किसी राजा या नवाब की सवारी में थे, पांच को मेरे मालिक ने अपने यहाँ पनाह दे दिए, कुछ आसपास के घरों और किसानों के यहाँ टिक गए। कभी कभी खेतों और पहाड़ों पर चढ़ने निकलता हूँ तो उनसे दुआ सलाम हो जाती है, लगता है सभी यहाँ हैं। अल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला रोज़गार कायम रखियो और हमें नज़र बंद से बचाइयो। अब आपसे क्या छुपाना, शुरू शुरू में यहाँ का काम थोड़ा मुश्किल लगता था, यानी समझ नहीं आता मैं मुश्किल कह रहा हूँ, भारी नहीं, बस ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। होले होले सब ठीक होता गया, घास का जायका भी कुछ और सा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी अच्छी लगने लगी। कुछ हम बदले, कुछ मुख्तलिफ रहे, गाड़ी चल पड़ी। जिंदगी की गाड़ियां तो बीच के रास्ते से ही चला करती हैं। एक दिन हमारे पुराने मालिकों ने कहा कि हम मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हैं, इसलिए हमें दूसरे घोड़ों से अलग रखा जाए, मगर हमारे मालिक ने यह बात नहीं मानी। उसे तो हम में कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ नज़र नहीं आया, वो क्या करते बेचारे, चुप रह गए। दुख सुख तो रब ने हर जानदार के साथ रखा है, करना खुदा का क्या हुआ कि एक बार हम बीमार पड़ गए। जाने ये कैसी बीमारी थी जो सिर्फ हमारे भाइयों तक महदूद रही, बस आंखों से पानी बहता जाता था, रुकता ही नहीं था। हमारे मालिकों ने हमें दूसरे घोड़ों से अलग किया और एक और अस्तबल में रख दिया और अपने तौर पर इलाज करने लगे, मगर हमें कुछ अफाका नहीं हुआ। हम खुद हैरान कि क्या करें, कहाँ जाएं, मगर यकीन की एक चमक से दिल में मौजूद कि चंद रोज का दुख है, आप ही आप दूर हो जाएगा। हमारे पुराने मालिकों को बहाना हाथ लगा, बोले देखा हम ना कहते थे कि ये मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हैं, आपको इन्हें अलग रखना ही पड़ता है ना, बेहतर यही है कि इनके लिए एक अलग अस्तबल बनवा दीजिए और हमें उनका दारोगा बना दीजिए। ये बात दारोगा वाली उनके दिल में थी,
मगर अब ताड़ ही गए। आखिर आधी जिंदगी उन्हीं के साथ तो गुजारी थी। हमारा मालिक बोला, हम तो अपने यहाँ बीमार घोड़े को अलग ही रखा करते हैं, ये ठीक हो जाएंगे तो फिर सबको एक साथ रख देंगे। हमारे पुराने मालिक बेचारे क्या करते, बस चुप रह गए। इधर भी हमारी बीमारी तूल पकड़ने लगी तो हमारा मालिक घबराया। पुराने मालिकों ने फिर कहा, देखा हम ना कहते थे, खुद हमें पता था कि यह वक्ती बीमारी है, मौसम बदलते ही अपने आप दूर हो जाएगी। इसी बीच हमारे पुराने मालिक जाने कहां से झूठे सर्टिफिकेट लाकर खुद को घोड़ा स्पेशलिस्ट जाहिर करने लगे और मालिक और हमारी खैरखाही के बहाने हमें अलग और अपनी जेरे निगरानी रखने का मुतालबा करने लगे। हमारा मालिक उनके मुतालबात पर गौर कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम उसे कैसे समझाएं कि ये लोग स्पेशलिस्ट नहीं, महज हमारी तरह के ही घोड़े हैं। अगर ये स्पेशलिस्ट होते तो इनकी प्रैक्टिस का मैदान तो वहाँ ज़्यादा वसी था जहाँ से ये और हम लोग आए हैं। बहरहाल ज़्यादा तादाद हम जैसे घोड़ों की हैं जो वहीं रहती है। खुदाया तू तो सब कुछ जानता है, हमें इन घोड़ा स्पेशलिस्टों से महफूज रख। हमारी बोली हमारे मालिक को समझ में आती तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं थी। अब हम ये सब उसे कैसे समझाएं, हम तो घोड़े हैं। ये थी कहानी घोड़े का कर्म। इशारों को समझिए तो इस कहानी में बहुत से मतलब हैं जो हमारी आम जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं, हमारे सियासी हालात की तरफ इशारा करते हैं, हमारे समाज की तरफ इशारा करते हैं, हमारे अपने बर्ताव की तरफ इशारा करते हैं। अलामती अफसानों का यही थोड़ा सा पेच है कि अलामतें समझ में आ गईं तो अफसाना लुस्त दे जाता है और ना समझ आए तो पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों उकता जाते हैं। चलिए कल फिर आऊँगा, फिर कुछ सुनाऊँगा।